गाइस सो आज कल आपने मुझे नहीं पता था आपने मुझे देख लिया और कैसे भी हो आपने मुझे देख लिया। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मारते हैं, मतलब कैसे करते हैं इंस्विंग। तो इंस्विंग जो है बेसिकली आपको मैं बोल देता हूँ, इंस्विंग जो होता है वो हमेशा किसके लिए काम देता है, हाँ हाँ वो बॉल इस दिखता है कहाँ और जाता है कहाँ, मतलब एक टाइप ऐसी चीज हो गई जो दिखता है वो होता नहीं, मतलब ड्रॉप होगा यहाँ ड्रॉ जाएगा कहाँ। तो ये जो होता है ये इन स्विंग का ये एक स्पिन है, इसमें प्लेयर ज़्यादातर आउट हो सकते हैं। तो इसमें हमको सिर्फ थोड़ा सा स्पिन करना होगा, स्पिन अगर हम कर देंगे तो शायद से ये होगा, पर वो भी एक पर्टिकुलर तरीके से स्पिन होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, आपको इस साइड में दिखाता हूँ कैसे बॉल जाएगा। ये देखो गाइस, ऐसे इस इन स्विंग में ऐसे बॉल जाएगा, मतलब पर्टिकुलर क्या है ना, ये बॉल जो होता है वो होगा, मतलब ऐसे नीचे से मतलब टच करेगा यहाँ, और टच मैं बोलता हूँ टच करेगा यहाँ और जाएगा यहाँ। मतलब आप सोचेंगे कि अभी ये तो वाइड होगा देख रहे हो, फ्री का फुफट तो मिल जाएगा, तो वो वाइड नहीं होता गाइस। ये ऐसे तरीके से स्पिन होता है ना कि बंदा आउट भी होगा और गजब तरीके से आउट होगा। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे मारता है। तो ये बैट है, सपोज ये जो बैट है ना, इसको ऐसे पकड़ा है, मतलब जब बॉल आएगा वो ऐसे आएगा और मैं ऐसे ऐसे मारूंगा वो मेरे ऊपर से जाके आउट हो जाएगा। कैसे दिखाऊं, बस कुछ कुछ ऐसे, मतलब बॉल ड्रॉप होगा यहाँ और जब मैं मारूंगा तब पीछे जाके आउट। इस बार तो हो गया क्योंकि यार मेरे पास जगह नहीं है ना मारने के लिए, इसीलिए नहीं। तो इस इंस्विंग ऐसे मारते हैं, पहले क्या होता है ना हमको सिर्फ एक स्पिन करना होता है, ऐसे स्पिन करना होता है, पर वो स्पिन में अच्छे तरीके से अगर नहीं हुआ ना तो इंस्विंग भी नहीं होगा। आपको देखना है ना थोड़ा व्यू कैसे इंस्विंग लगेगा, कंप्यूटर मैंने क्यों दिखाया रे आपको, रुको दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ शायद अभी से आपको दिखेगा, तो ये देखो गाइस ऐसे जाएगा गाइस, दिखा हाँ दिख रहा है कि नहीं आपको, नीचे से जा रहा है ना, अभी दिखा मतलब ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है जा रहा है, ड्रॉपिंग तो दिख रही नहीं पर नीचे से साइड से जाएगा और खाली फुफट में आउट हो जाएगा। तो प्लेयर सोचेगा कि उसने बहुत बड़ा छक्का हिट कर दिया है और पीछे उसका स्टंप गिरा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।